वेलकम टू एग्जाम बे। इस वीडियो में हम क्विकली स्टडी करेंगे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में, जो कि लेटेस्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम है 2020 में। अभी थोड़े दिन पहले ही ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस करी है। ओके, सो लेटेस्ट स्कीम है, इसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे और ये क्या कहती है ये पढ़ेंगे। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज गिवन अप्रूवल फॉर दिस स्कीम। What is the purpose of this scheme? To boost employment in formal sector and incentivize creation of new employment opportunity. So, COVID situation के बाद बहुत सारी schemes, बहुत सारे government ने steps लिए हैं, उनमें से ये एक step है जिसका purpose है to boost employment in formal sector. Okay, you have to remember informal sector or creation of new employment opportunities. सिंपल, तो एम्प्लॉयमेंट और बेसिकली एम्प्लॉयमेंट फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए स्कीम ये निकाली गई है। अब इसके फीचर्स क्या हैं ये हम देखेंगे। उससे पहले कैबिनेट ने 1584 करोड़ का करंट फिनेंशियल ईयर में बजट इसके लिए अप्रूव किया है, और टोटल क्योंकि ये दो साल के लिए अगले स्कीम वैलिड होगी आगे जाकर, तो टोटल बजट इसका 22,810 करोड़ से। सेलियंट फीचर्स इसके हमें याद रखने, इसी पे बेस्ड हमारा एमसीक्यू आ सकता है। तो इसका बेसिकली क्या मकसद है इस स्कीम का उस पर, और फीचर क्या है, क्या ये कहती है और क्या करेगी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड सब्सिडी फॉर 2 ईयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज एंगेज्ड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2020 एंड अप टू 30 जून 2021। तो जो भी नए एम्प्लॉयज़ जुड़ेंगे इंडस्ट्रीज़ में, जिनकी नई नौकरियां लगेंगी, उनको सब्सिडी देगी गवर्नमेंट 2 साल के लिए। किस चीज़ में सब्सिडी देगी ये हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल पे बोथ 12% एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, जो बेसिक पे का जो एम्प्लॉई का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है EPFO में वो, और 12% एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली एम्प्लॉयर को भी फ़ायदा हो रहा है इससे और एम्प्लॉई को भी फ़ायदा हो रहा है। एम्प्लॉई को अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ रहा अपनी सैलरी में से, और एम्प्लॉयर को अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ रहा, तो दोनों को फ़ायदा। 24% ऑफ द वेजेस टूवर्ड्स EPF इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ अप टू 1000 एम्प्लॉयज़। ओके, एस्टेब्लिशमेंट अप टू 1000 एम्प्लॉयज़, ये अपने को याद रखना है। ओके, कि लिमिट क्या है। ऐसा नहीं है कि कोई जैसे TCS फॉर एग्जांपल, उसमें 500,000 लोग काम करते हैं, उसको भी इस स्कीम का फायदा होगा, नहीं, अप टू 1000 एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल पे ओनली एम्प्लॉयज शेयर इन EPF 12% ऑफ वेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज एम्प्लॉइंग मोर देन 1000 एम्प्लॉयज फॉर 2 ईयर्स। तो जो एस्टेब्लिशमेंट जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, उसमें एम्प्लॉयज का ही शेयर गवर्नमेंट देगी, उसमें एम्प्लॉयर्स का नहीं देगी। ओके, उसमें एम्प्लॉयज़ का देगी। तो ये आपको दोनों पॉइंट्स याद रखने। अब एम्प्लॉय के लिए लिमिट क्या है इस स्कीम में एलिजिबल होने के लिए, ड्रॉइंग मंथली वेजेस ऑफ लेस देन 15,000, 15,000 से कम की आपकी मंथली वेजेस होनी चाहिए, एंड एन एम्प्लॉय मस्ट नॉट बी वर्किंग इन एनी एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड विद EPFO ओके बिफोर 1 अक्टूबर 2020 एंड डिड नॉट हैव UAN और EPF मेंबर अकाउंट नंबर प्रायर टू 1 अक्टूबर 2020। ओके, तो वो इसमें एलिजिबल होंगे। और एनी EPF मेंबर पजेसिंग यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ड्राइंग मंथली वेज ऑफ 15,000, मंथली वेज 15,000 की इसमें सीलिंग है। जिसने नौकरी छोड़ दी है 1 मार्च 2020 से लेकर और 30 सितंबर 2020 के बीच में, और उसने ज्वाइन नहीं करा, वो भी एलिजिबल है। जो बेनिफिट है वो आपका आएगा, जो आपका बैंक अकाउंट है, आधार सीडेड बैंक अकाउंट, आधार से जुड़ा हुआ बैंक अकाउंट है। ऑब्वियसली आपका एम्प्लॉयर आपका आपसे EPF का जो कंट्रीब्यूशन है वो काटेगा, राइट, बट आपके पास सब्सिडी आएगी। ओके, 12% की सब्सिडी आपके पास आएगी, और जो एम्प्लॉयर्स के पास है वो उस हिसाब से जाएगी। तो ये इसके मेन फीचर्स है, अपने को पर्पस याद रखना है और मेन फीचर्स याद रखने हैं। कुछ जैसे लिमिट हमारी 15,000 की लिमिट है, 2 साल के लिए वैलिड है, राइट, डेट्स कब से कब तक हैं,
और 1000 जो एस्टेब्लिशमेंट में 1000 लोग से कम काम करते हैं उनके लिए, और जिनमें ज़्यादा काम करते हैं उनके लिए क्या क्या फीचर्स हैं। ओके गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।